ये मेरे पास एक गमला खाली हुआ है, इसमें पहले डहलिया लगा था, डहलिया निकाल के मैंने उसके कांटों को सुखाने के लिए रखा है। और ये मेरा एक पॉट है जिसमें परमानेंट मेरा पुदीना लगा रहता है, इसी से निकाल के मैं इस पॉट में पुदीना लगाऊंगी। मैंने कोई ना मिट्टी चेंज किया है, सिर्फ मैं इसकी गुड़ाई करके रखी हूँ और कुछ आड़े कुछ खड़े इस तरह से मैं तोड़ तोड़ के इसमें पुदीना लगा के पानी डाल दूंगी। इस तरह से पुदीना लगा दिया है और अच्छी तरह से इसमें पानी डालने के बाद शेडी एरिया में इसको 3-4 दिन रखने के बाद मैं इसको धूप में रख दूंगी। किसी तरह की कोई खाद का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ गार्डन सॉइल है। 24 दिन के बाद का रिजल्ट देखिए, पूरा गमला पुदीने से भर गया है और दूसरे पॉट में भी मैंने लगाई थी वो भी पूरा भर गया है और हार्वेस्ट के लिए तैयार है। इतनी बड़ी बड़ी पत्तियों वाला पुदीना, पुदीने के लिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। 32 दिन के बाद का रिज़ल्ट देखिए, दोनों गमलों में भर गया है और एक बार बीच बीच में से हार्वेस्ट भी किया गया। आज हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे, जितना हम इसको तोड़ेंगे उतना बढ़ेगा पूरी गर्मी ये पुदीना हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें अभी तक कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। हाँ, ये ज़रूर है कि डहलिया में जो फर्टिलाइज़र डाला था उसका असर ही दिख रहा है।